राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज विकास भवन के सभागार में उप विकास आयुक्त नवीन कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त ने पिछले बैठक में दिए गए निर्देशों का समीक्षा की, साथ ही कहा कि सभी स्कूलों में कैंप लगाकर दिव्यांग बच्चों का सर्वे किया जाएगा एवं उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए सरकारी सुविधा का लाभ दिलाना। इसके लिए शिक्षा परियोजना, स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से कार्य करें। उन्होंने बताया कि आगामी 22 जून से 4 जुलाई तक सभी स्कूल में कैंप लगाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर, समाज कल्याण विभाग से पर्यवेक्षक एवं परियोजना कर्मी सहयोग करेंगे। भारत सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करते हुए UID जोड़ने का कार्य करेगी, ताकि इन बच्चों को विवेकानंद दिव्यांग पेंशन, ड्राई साइकिल, सर्वन यंत्र सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराएगा। बैठक में देवघर सिविल सर्जन रंजन सिंह, परियोजना के प्रभारी डॉली कुमारी, CDPO, सभी रिसोर्स, शिक्षिका, थेरेपिस्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। आज की बैठक हमारे जो जिला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो दिव्यांगता है उनका सर्वे करके उनके लिए उनको सुविधा उपलब्ध करानी है। सर्वे के लिए 22 जून से डेट रखा गया, 4 जुलाई तक इसका सर्वे किया जाएगा, उसका डेट निर्धारित कर दिया गया। हर जगह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ डॉक्टर रहेंगे और हमारे सामाजिक सुरक्षा के सदस्य रहेंगे, शिक्षा परियोजना के लोग रहेंगे और ये मिलकर सर्वे करेंगे कि क्या काम करना है, कैसे इनकी दिव्यांगता हो जाएगी। जब दिव्यांग हो जाएंगे, ये इनकी जाँच हो जाएगी, सर्वे हो जाएगी, तो इसके बाद हम लोग इन पर इनको सुविधाएं देंगे, इनका UID कार्ड बनाएंगे, उसके बाद जो सुविधा देना इनके पोर्टल पर लोड करके सब सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सबको पर्याप्त डायरेक्शन दे दिया गया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।